हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलना मत। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तिल की बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट। क्या आपको पता है किडनी स्टोन के लिए भी तिल कितना फायदेमंद है, और बहुमूत्र यूरिन की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डायबिटीज के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, और हमारे हेयर के लिए ये वरदान है। हमारे स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और डिप्रेशन के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। अगर आप बार बार गिरते पड़ते हो, वहाँ पे भी मसाज करके आप अपनी हड्डियों को स्ट्रांग कर सकते हैं। और बच्चों को मालिश भी किया जाता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होता है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और ये सर्दियों में ये खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गर्म होता है, इसलिए इसको विंटर में लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन भी हम लोग तिल के लड्डू बनाते हैं या फिर तिल की मिठाई बना के सेवन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमें गर्मी देती है इसीलिए भी। और ये अगर आपका स्किन कहीं पे जल गया हो तो इसको पीस के आप नारियल ऑयल और कपूर के साथ मिक्स करके लगा लो तो बहुत जल्द ठीक हो जाता है और स्किन का कलर भी आ जाता है। सर्दियों में तिल का सेवन ऊर्जा का संचार करता है, और अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा हो तो आप तिल के ऑयल को बॉईल करके मसाज कर ले तो उस दर्द से भी राहत मिलेगी। अगर आपको डेली करना है तो आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तिल हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो अगर हम ब्रश करने के बाद इसको डेली चबाए तो हमारे दांत मजबूत होता है और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तिल का प्रयोग बालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप रोजाना तिल का सेवन करें तो बालों का असमय पकना और झड़ना भी बंद हो सकता है। तिल का उपयोग चेहरे पर निखार लाने के लिए भी किया जाता है। अगर आप तिल को दूध में भिगोकर रखें और उसका पेस्ट बना के चेहरे पर लगाएं तो चेहरे में नेचुरल ग्लो आता है और स्किन का कलर भी निखरने लगता है। और अगर आप तिल का तेल से चेहरे पर मसाज करें या फिर बॉडी पर तो एक नेचुरल सा ग्लो आता है स्किन पे। तिल को खुद कर खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती, और अगर आपको बवासीर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो जितना भी पुराना हो, अगर आप काले तिल को चबा के खाए और उसके बाद ठंडा पानी पिए तो बहुत ही जल्द आपको उससे राहत मिल जाएगी। अगर आपको सूखी खांसी की प्रॉब्लम होती है तो ताल मिश्री में तिल को घोल के अगर लिया जाए पीस के तो उससे राहत मिलती है। अगर आपके कान में भी दर्द हो रही हो तो लहसुन को तिल के तेल में डाल के अगर कान में लिया जाए तो कान के दर्द से आपको राहत मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ये दिल की बीमारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आई मीन हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये रिसर्च में भी पाया गया है। तेल में मिनरल्स एंड विटामिन्स भरपूर होता है, इसीलिए ये कैंसर के खतरा को भी कम करता है। तेल में पाए जाने वाले जिंक और कैल्शियम की वजह से ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, और इसमें फाइबर होने की वजह से ये हमें कब्ज से राहत दिलाती है। शरीर में खून की मात्रा को बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है तिल, और अगर आप इसको डेली लें ये आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीठ में दर्द होता हो या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता हो तो फिर आप तिल का काढ़ा बना लीजिए तुलसी के साथ, और इसको 5 दिन पहले से ही लेना शुरू कर दीजिए और एवरी मंथ लीजिएगा। इससे आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता था वो सही हो जाएगा, और पेट दर्द से भी राहत मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा पेट दर्द हो तो फिर आप ऑयल को भी बॉयल करके नीचे के पेट में मसाज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो तो फिर आप तिल के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए और इसको किसी भी मेडिसिन के साथ लीजिए।
इससे आपका किडनी स्टोन में राहत मिल जाएगी। और इसका जो रूट होता है उसका भी पाउडर बना के आप किसी भी चीज के साथ मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं। तिल को अगर हम किसी भी मेडिसिन के साथ ले तो उस मेडिसिन का असर 100 गुना बढ़ जाता है। अगर आप तिल का ऑयल ले रहे हो तो 1 स्पून से ज्यादा कभी मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका पेट खराब हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलना मत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।